डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत एक्टिवेशन ऑफ ओवम अर्थात अंडे का सक्रियण के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम एसेंस ऑफ एक्टिवेशन अर्थात सक्रियण का सार तथा एम्फीमिक्सिस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। नाउ व्हाट इज इंट्रोडक्शन अबाउट एसेंस ऑफ एक्टिवेशन। व्हेन ए मैच्योर एग इज कंपेयर्ड फ्रॉम बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन देन इज बिकम्स अपरेंट that as a result of fertilization from a semi-active state, the egg enters into an active dynamic state. अर्थात egg activation के different physiological factors का ज्ञान, study of different physiological factors of egg activation known is essence of activation. अर्थात एग सक्रियण के विभिन्न फिजियोलॉजिकल कारकों का ज्ञान ही सक्रियण का सार कहलाता है। इन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर व्हेन आफ्टर सम टाइम द ओवम बिगिंस टू शो डीजनरेटिव चेंजेस लीडिंग टू इट्स अल्टीमेट लॉस। In contrast, in fertilization does not take place, then activation of egg occurs in which are included significantly important changes. अर्थात egg fertilization के फलस्वरूप एक semi-latent condition, अर्थात एक अर्ध सुप्त दशा से सक्रिय गतिज दशा active kinetic condition में प्रवेश करता है। यदि एग अंडे में फर्टिलाइजेशन ना हो तो कुछ समय बाद उसमें हाशी परिवर्तन होने लगते हैं जिससे शीघ्र ही उसका क्षय या डिके हो जाता है। इसके विपरीत एग में निषेचन से एक्टिवेशन होता है जिसके अंतर्गत इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। फॉर एग्जांपल मियोटिक डिविजनल प्रोसेस कंप्लीटेड, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई टेक्स प्लेस एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लीवेज अकर। अर्थात कंप्लीशन ऑफ मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन का पूर्ण होना, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स अर्थात नर व मादा युग्मकों के प्रोकेंद्रकों का संलग्न एवं डिविजन ऑफ एग क्लीवेज अर्थात विदलन का प्रारंभ होना। द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स विच गवर्न द अबोव डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट ऑल्ट्रेशंस इन द एग इन फैक्ट आर रेफर्ड टू एज एक्टिवेशन ऑफ ओवम। अर्थात फर्टिलाइज्ड एग में प्रोटीन सिंथेसिस का प्रारंभ ही अंडाणु के सक्रियता माना जाता है। हैंस इन द फर्टिलाइज्ड एग प्रोटीन सिंथेसिस कमेंसेस, दिस इज कंसिडर्ड टू द एक्टिवेशन ऑफ द एग। अनफर्टिलाइज्ड एग में राइबोसोम फ्री स्टेट में और मैसेंजर आरएनए उपस्थित होते हैं, किंतु फर्टिलाइजेशन के बाद एग के राइबोसोम परस्पर समूहों में संयोजित हो जाते हैं, जो ये दर्शाता है कि इनमें प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिवेशन से हो रहा है अर्थात सक्रियता से हो रहा है। इस प्रकार फर्टिलाइज्ड एग में प्रोटीन सिंथेसिस का प्रारंभ ही अंडाणु की सक्रियता माना जाता है। नाउ स्टेप ऑफ mechanism of fertilization are four and last step is known as emphysis
अर्थात उभय मिश्रण या माइग्रेशन ऑफ प्रो न्यूक्लियस। माइग्रेशन ऑफ प्रो न्यूक्लियाई और एम्फीमिक्सिस अर्थात युग्मकों के प्राक केंद्रों का संगलन और फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई। द एम्फीमिक्सिस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। फर्स्ट इज फ्यूचर ऑफ स्पर्मेटोजोन इन द एग अर्थात स्पर्म का अंडाणु में भविष्य। सेकंड बिहेवियर ऑफ प्रो न्यूक्लियाई प्राक केंद्रकों का व्यवहार और थर्ड एम्फीमिक्सिस अर्थात उभय मिश्रण और वी कैन से यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। नाउ फर्स्ट स्टेप ऑफ एम्फीमिक्सिस नोन एज फ्यूचर ऑफ स्पर्मेटोजोन इन द एग। वेदर द होल स्पर्म और इट्स हेड एंड मिडल पीस एंटर द एग ओनली द स्पर्म न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल अल्टीमेटली पार्टिसिपेट इन फ्यूचर इवेंट्स ऑफ डेवलपमेंट। अर्थात निषेचन के समय शुक्राणु का हेड व मिडिल पीस ही अंडाणु प्रवेश करता है। शुक्राणु के प्रवेश के समय केंद्रक आगे की तरफ और माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रियोल्स अर्थात तारकाएँ पीछे की ओर उपस्थित रहते हैं। नाउ बिहेवियर ऑफ प्रो न्यूक्लियाई एज द स्पर्म हेड मूव्स इनवर्ड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन कॉन इट रोटेट्स थ्रू 180 डिग्री सो दैट द माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल्स ऑफ इट्स मिडिल पीस अज्यूम द फॉरवर्ड पोजिशन बोथ न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल चेंज इन अपीयरेंस। अर्थात जैसे ही स्पर्म हेड फर्टिलाइजेशन कोन से आगे गमन करता है यह 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया और तारकाएँ आगे की तरफ हो जाता है। इस समय शुक्राणु का केंद्र इंटरफेज में आ जाता है जिसे मेल प्रोन्यूक्लियर कहते हैं। यह मेल प्रोन्यूक्लियस अर्थात नर प्राकेंद्रक संगलन स्थल की तरफ गमन करता है जिसे इसे पेनिट्रेशन पाथ कहा जाता है। Hence, the nucleus swells up, becomes vesicular and its chromatin appears granular. This is known as male pronucleus. In the egg, the subcortical cytoplasm is heavily pigmented and the path taken by sperm nucleus is marked by pigment granules traveling along its path. This is known as penetration path. Now, third step of amphimixis, known as union of male and female gametes. The details of the fusion of male and female gametes differ in different animals. Vibhinn jantuon mein fusion of male and female gametes में अंतर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सी अर्चिन एंड वर्टिब्रेट्स द टू प्रो न्यूक्लियस एक्चुअली फ्यूज टूगेदर देयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड देयर कंटेंट्स गेट सराउंडेड बाई ए कॉमन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मिंग द जायगोट न्यूक्लियस। अर्थात दोनों नर्व मादा प्रो न्यूक्लियस संगलन स्थल पर पहुंच जाते हैं और परस्पर संगलित होकर जायगोट न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण कहते हैं। इस तरह निषेचन क्रिया पूरी होती है जिसके परिणाम स्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। अर्थात अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश करने पर इसमें एक सेंट्रियोल और एक
मेल प्रो न्यूक्लियस पहुँच जाता है। शुक्राणु के मध्य भाग का सेंट्रोल स्पर्म प्रो न्यूक्लियस तथा अंडाणु प्रो न्यूक्लियस के बीच स्थित हो जाता है। दोनों प्रो न्यूक्लियाई धीरे धीरे चलकर मध्य में एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। अब दोनों प्रो न्यूक्लियाई के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स लुप्त हो जाते हैं तथा सेंट्रोल विभाजित होकर एक्रोमेटिक सेंट्रल स्पिंडल का निर्माण करता है। तत्पश्चात ओवम एंड स्पर्म के क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। इस प्रकार गुणसूत्रों के डिप्लोइड सेट से जायगोट न्यूक्लियस का निर्माण होता है। जायगोट के निर्माण के पश्चात माइटोसिस के साथ जायगोट का एडल्ट में ग्रोथ प्रारंभ हो जाता है। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग साइटोप्लाज्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।